आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लखनऊ के सहकारिता भवन में आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित व्यापारी महाकुंभ में प्रदेश भर से आए व्यापारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के सामने 15 सूत्री मांग रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने सरकार से व्यापारी आयोग के तत्काल गठन की मांग की। वह GST अधिकारियों द्वारा नोटिस के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो और प्रदेश के सभी थानों पर अलग से व्यापारी शिकायत विंडो की व्यवस्था हो समेत 15 मांगें सरकार के सामने रखी हैं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। व्यापारी महाकुंभ का आयोजन का प्रमुख ये कारण था कि पूरे प्रदेश भर में हम लोग व्यापारियों के साथ मिल रहे हैं, जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन करके कई महीनों से एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी आयोग की गठन की हमारी मांग बहुत पूर्व की है और सरकार ने वादा भी किया था, परंतु वो वादा याद दिलाने आज हम आए हैं कि व्यापारी कुंभ महाकुंभ के माध्यम से 2024 से पहले सरकार व्यापारी आयोग का गठन करे। साथ ही व्यापारियों की संख्या 30% से ज़्यादा है, व्यापारी वोट और नोट भी देता है, क्योंकि नोट तो आप देख रहे हैं GST कलेक्शन सर्वाधिक है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ों को मानते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से व्यापारियों को राजनीतिक उपेक्षा का कारण झेलना पड़ता है और उनका उत्पीड़न होता है, इस कदम पर भी सरकार आगे काम करेगी। व्यापारी आयोग के गठन के साथ साथ जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के छोटा व्यापारी परेशान हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग जो आज एक ज्ञापन भी तैयार किया है हम लोगों ने, वो बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन तक पहुंचाया जाएगा। हमें आशा है कि 2024 आने से पहले सरकार व्यापारी आयोग का गठन करे, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के छोटे व्यापारियों को बूस्टअप पैकेज दे, साथ ही व्यापारियों को लेकर के जो अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, GST के द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, कुछ अधिकारियों के द्वारा उनके साथ डायरेक्ट लूट की घटनाएं हुई हैं, उस पर कार्रवाई तो हुई परंतु वो कार्रवाई समय हुआ उसमें लेट लगा, इसलिए हम चाहते एक सिंगल विंडो सिस्टम हो और सभी प्रदेश के थानों में एक सेल बनाई जाए जो केवल व्यापारियों की समस्याओं को सुने और उनका निदान करे। सुनी नहीं जाती है, हर आदमी अपने संगठन को लेकर पहुंचता है, जो सही व्यापारी हैं उनकी बात सुनी जाती है, क्या कैसे इसको कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, व्यापारियों की बात सुनी जाती है, सरकार ऐसा नहीं है कि 200 से ज्यादा इम्प्लीमेंट अभी GST में कर चुकी है सरकार। ये जरूर है कि बात पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई माध्यम में कोई कमी होगी, या मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जगह मैं आपको जरूर कहना चाहूँ तो आपके माध्यम से सरकार तक भी बात पहुंचे कि अधिकारी और व्यापारी और सरकार के बीच में जो अधिकारी वर्ग है योजनाओं का समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप देखिए GST को लेके 2017-18 की इतनी नोटिसें आ रही, लोग परेशान हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को यह देखना होगा कि व्यापारियों को लेकर के जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, व्यापारी आयोग का अगर गठन हो जाता है, सिंगल विंडो सिस्टम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग इन चीज़ों पर हमारी मांग पूर्ण हो जाती है तो ये समस्याएँ दूर हो जाएंगी। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।